हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी सब्ट्रैक्शन थ्री डिजिट नंबर्स की विद बोरोइंग। मैंने सब्ट्रैक्शन का जो बेसिक्स का था फॉर वन डिजिट टू डिजिट, उसके मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, अगर वो आप चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स को क्या करना है, ये क्वेश्चंस दे देना बच्चों को, उनको फिर वीडियो देखने के लिए दे देना, उनको मैं सिखा दूंगी कि कैसे करना है स्टेप्स बाय स्टेप। बहुत ईजी मेथड है, आपके बच्चे आराम से सीख लेंगे ये। चलो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आता उनको बोरो कब करना है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि आपको बोरो करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखो, ये क्या है, ऊपर क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। अब मैं क्या करूँ, बताई हूँ, पहले भी आपको बताया है कि क्या करते हैं, जब भी ऊपर छोटा नंबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को नंबर को कट करके बड़ा बना देंगे। तो जैसे ही आपने देखा ज़ीरो, तो उसको क्या करना है, ज़ीरो को कट करके ज़ीरो और उसके आगे वन लिख देना है। जो भी नंबर रहेगा उसको लिखो और उसके आगे वन लगा दो, तो ये ज़ीरो क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। जैसे ही आपने एक नंबर को कट किया, वैसे ही उसके सामने देखो, तो उसके सामने कौन सा नंबर है, तो फोर है, तो इसको भी आपको कट करना पड़ेगा। दो नंबर को हमको एक साथ कट करना पड़ता है, तो इस नंबर को हम कट करके क्या कर देंगे, हम काउंट नंबर्स कैसे लिखते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो जो फर्स्ट आपने कट किया तो उसको लिख करके उसके आगे वन लगाओगे, और जो उसके सामने वाला नंबर कट किए हो उसको क्या करना है, कट करके यहाँ पे फोर कहाँ लिखा है, ये फोर लिखा है, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर देखो तो उसके ऊपर नंबर क्या है, थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री बन जाएगा। बस आपको यहाँ तक करना है, पहले यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर हम आगे देखेंगे कि हमारा थर्ड डिजिट जो है वो कौन सा है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, तो ये हमको क्या है, टेन है। तो हम क्या करेंगे, आप टेन लाइन ड्रॉ करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन लाइन्स ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है, सिक्स लाइन्स को कट करना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लाइन कट कर दिए। अब देखो आप कितने लाइन्स रह गए, तो वन टू थ्री फोर, फोर लाइन रह गए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है फोर। अब इसी तरह आप यहाँ देखो, थ्री है, ये ज़ीरो है, तो क्या करोगे आप, थ्री लाइन ड्रॉ करने रहेंगे, तो वन टू थ्री। अब यहाँ तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो मतलब कुछ नहीं काटने की ज़रूरत है आपको, तो आप क्या हो जाएगा, थ्री में से ज़ीरो हो गया तो थ्री ही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी हम कोई भी नंबर रहता है फोर, उसमें से अगर हम सपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, फोर में से ज़ीरो मतलब कुछ नहीं गया, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे फोर। सपोज़ अगर फाइव है, तो फाइव में से हम माइनस करेंगे ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा आपका, सेम नंबर फाइव आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी काटने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट भी खोलेंगे, तो देखेंगे हम ये क्या लिखा है, एट, और यहाँ पे भी क्या है, एट है, तो एट में से एट चला जाएगा, तो आपको क्या करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट लाइन ड्रॉ किया, और हमको कितनी कट करने, एट कट कर देने, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हमने तो पूरा कट कर दिया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब जब भी आप माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जब भी आपके पास सेम नंबर होता है, ये दोनों नंबर क्या है, सेम सेम, इट मीन्स ज़ीरो आ जाएगा आपका। सपोज़ अगर सेवन है, उसी में से आपको सेवन माइनस करना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दोनों अगर सेम नंबर रहेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि अगर हम सेवन लाइन ड्रॉ करेंगे और सेवन लाइन कट्स कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बट अगर वही सेवन में से माइनस करेंगे ज़ीरो, तो क्या बच जाएगा, बताओ, मैंने सिखा दिया ना, यस, वेरी गुड, सेवन। और अगर हमने नाइन में से माइनस किया नाइन, तो क्या हो जाएगा, सेम सेम नंबर है, यस, नाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, नाइन लाइन कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम सेम नंबर रहेगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे यूज़ होएगा। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। चलो, मैंने लिया सेकंड क्वेश्चन, आप भी अपने नोटबुक में लिखो सेकंड क्वेश्चन। यहाँ लिखो फाइव फोर नाइन, अब यहाँ लिखो सेवन फाइव वन, लिख लिया सबने अपने नोटबुक में, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन दे दो। ठीक है, अब आपको कितने लाइन ड्रॉ करने हैं, हम पहले ही क्लोज कर देंगे,
सब्ट्रैक्शन का लिख के हमको क्या कर देना है, हमको बस सिंगल डिजिट देखना है। सिंगल डिजिट देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 9 है तो क्या करेंगे हम, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, और 9 बड़ा है 7 से, तो क्या करेंगे, हो जाएगा ना। कट करने की ज़रूरत है, नहीं है। जब भी बड़ा नंबर ऊपर आए तो कट करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि हम 9 लाइन ड्रॉ करके 7 लाइन कट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 9 क्या है, बड़ा नंबर है ना 7 से, तो हम 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे। चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लाइन कट करने हैं, 7 लाइन कट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लाइन रह गए, 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, क्लियर। चलो अब सेकेंड ओपन करो, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ऊपर क्या है 4 है, नीचे क्या है 5 है, तो हमको ऊपर वाला लाइन ड्रॉ करना होता तो हम 4 लाइन ड्रॉ करके 5 लाइन कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 3 4 लाइन कट करके हम 5 लाइन को कट, 4 लाइन को हम ड्रॉ करके 5 लाइन हम कट नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा नंबर होना चाहिए ऊपर, और 4 छोटा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, इसको काट के बड़ा नंबर बना देंगे। तो 4 को कट करके हमने क्या कर दिया, 14 बना दिया। अब जैसे ही हम इसको कट करते हैं, वैसे ही हमको इसके सामने वाले नंबर को भी कट करना पड़ता है, तो इसको हम कट करके क्या कर देंगे, 5 के ऊपर क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। आया समझ में आपको यहाँ तक, वेरी गुड। अब चलो ये 14 है, अब हमको क्या, कितने लाइन ड्रॉ करने हैं, 14, तो 14 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कर लिया सबने। क्या करना है अब आपको, 5 लाइन कट करना है, तो 1 2 3 4 5 सबने किया। चलो अब काउंट करो कितने लाइन रह गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 9, क्लियर। अब देखो ऊपर क्या है, 4 है, तो अब हमको 4 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4, कितने लाइन कट करने हैं, 1 लाइन कट करने, तो 1 लाइन कट कर दो, तो कितने बच गए, 1 2 3, तो यहाँ आप 3 लिख दोगे, क्लियर। देखो इस तरह से करना आपको तब है जब आप जस्ट थर्ड में स्टैंडर्ड में गए हो, इनिशियली आपको प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने में फिंगर्स को काउंट करके, तो आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलो ये हमने 3rd क्वेश्चन लिखा, आप भी लिखो अपने नोटबुक में। सेवन नाइन टू सिक्स फोर टू लिख लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है 2, अब देखो आप 2 छोटा नंबर है, तो यस छोटा नंबर है, तो 2 को हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर बनाएंगे, तो 2 छोटा है तो हम उसको बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे, 2 को कट करके यहाँ पे क्या कर देंगे हम 12 लिख देंगे, और हमने इसको छोटा, इसको बड़ा नंबर बनाया है ना 2 को कट करके, अब इसके जस्ट सामने वाला भी नंबर हमको कट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 नंबर एक साथ कट करते हैं, तो इसको भी कट करके हम 9 है, तो 9 के ऊपर क्या आता है, 9 के ऊपर हम क्या लिखते हैं 8, तो यहाँ पे आपको 8 लिख देना है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आपको क्या करना होता है सब्ट्रैक्शन में, आपको 6 के बाद स्टार्ट करनी है काउंटिंग 12 तक, क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर दिया है उसके बाद आप स्टार्ट करो काउंटिंग, तो ये क्या है 6 है, तो 6 के बाद क्या होता है 7 8 9 10 11 12, कितने रह गए 5 6, राइट, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। आपको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर दिया है उसके बाद से आप काउंटिंग स्टार्ट करो, कहाँ तक, 12 तक आपको काउंट करना है। एक बार और मैं बताती हूँ, ये क्या दिया है 6, तो 6 के बाद क्या आता है, वेरी गुड, 7 8 9 10 11 देन 12,
कितने हो गए फिंगर्स? सिक्स फिंगर्स. सो यू हैव टू राइट हेयर सिक्स. इसी तरह अब ये करो, ये क्या है? फोर है. तो फोर के बाद क्या आता है? फाइव, सिक्स, सेवन, कहाँ तक करना है आपको? एट तक. तो सेवन के बाद एट. तो कितने हो गए? फोर फिंगर्स. एक बार और दोबारा करते हैं. ये क्या है? फोर है. तो फोर के बाद स्टार्ट करो काउंटिंग. तो फोर के बाद फाइव, सिक्स, सेवन, एट. फिर आपको एट के बाद रुक जाना है, क्योंकि एट हमारा आ गया ना, ऊपर में एट दिया है. फोर के बाद स्टार्ट करनी है काउंटिंग, एट आने के बाद रुक जाना है. फिर से करो. फोर के बाद फाइव, सिक्स, सेवन, एट. तो कितने फिंगर्स हो गए? फोर. तो वी विल राइट हेयर फोर. अब ये देखो सेवन है और यहाँ पे क्या है? टू है. तो हम क्या करेंगे? इसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे टू के बाद. तो टू के बाद क्या आता है? थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. तो कितने हो गए? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. तो वी विल राइट हेयर फाइव. क्लियर? तो आपको क्या करना है? इसके बाद की काउंटिंग स्टार्ट करनी है. सिक्स है तो उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व. जब तक आ गया काउंटिंग में ट्वेल्व, उसके बाद स्टॉप. अब काउंट कर लो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. तो सिक्स लिख देना है, या आप अपने फिंगर्स पे भी कर सकते हो. चलो मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ. थ्री, सेवन, वन. अब यहाँ लिखो एट, फोर, वन. लिख लिया सबने? अब चलो स्टार्ट करेंगे. अब तो क्या करना है आपको? सारे नंबर्स को बंद कर लो और देखो ऊपर क्या है. वन दिया हुआ है, हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तो ऊपर क्या दिया हुआ है? वन दिया हुआ है. तो वन क्या है? एट से छोटा है. छोटा है ना वन. वन इज स्मॉलर देन एट. तो वन छोटा है तो हम क्या करेंगे? इसको हमको बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा. ऊपर सब्ट्रैक्शन में छोटा नहीं होना चाहिए. ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा नंबर. और अगर नहीं होगा तो हमारे पास जादू से हम बड़ा बना देंगे. ठीक है? कैसे कर देंगे इसको? वन की जगह हम क्या लिख देंगे? जो भी नंबर लिखा है उसको आप एज इट इज उतारो और उसके आगे वन और लगा दो और इसको कट कर दो. अब जैसे ही आपने एक नंबर कट किया है तो क्या करना पड़ेगा? उसके सामने वाले नंबर को भी कट करना पड़ेगा. तो इसको भी हम कट करेंगे. तो इसको सेवन लिखा है तो इसको क्या कर देंगे? सेवन के ऊपर क्या आता है? सिक्स. तो इसको हम सिक्स लिख देंगे. ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब मैंने क्या सिखाया आपको? ये क्या है? एट है. तो हमको क्या करना है? एट के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है? तो एट के बाद काउंटिंग कब तक करेंगे? इलेवन तक. तो एट के बाद, यस, वेरी गुड. एट के बाद नाइन, देन टेन, देन इलेवन. ठीक है? इसको आप फिंगर पे भी कर सकते हो. एट के बाद नाइन, टेन, एंड देन इलेवन. अब हमको स्टॉप कर देना है. कितने आ गए? थ्री. वन, टू, थ्री. तो वी विल राइट हेयर थ्री. अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? सिक्स है और यहाँ पे फोर है. तो हमको क्या करना है? फोर के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है. कब तक? सिक्स तक. तो फोर के बाद स्टार्ट करो. फाइव, सिक्स, कितने हुए? वन, टू. तो टू हुए. फिर से एक बार करो. फोर के बाद फाइव, सिक्स, टू. तो वी विल राइट हेयर टू. और आप ऐसे भी कर सकते हो, फोर के बाद फाइव और सिक्स. तो वन, टू. तो टू लिख दिया. ठीक है? जो आपको तरीका इजी लगे. अब यहाँ पे क्या है? वन. तो वन के बाद हम करेंगे स्टार्ट काउंटिंग. कहाँ तक? थ्री तक. तो वन के बाद टू, थ्री, बस. उसके बाद कितने? दो. यहाँ पे टू लिख देंगे. ठीक है? फिर से करो. वन के बाद क्या आता है? टू, थ्री. क्योंकि थ्री तक हमको ले जाना है ना, थ्री तक फिंगर निकालने, क्योंकि ऊपर थ्री दिया हुआ है. तो हमारा आ गया टू. तो हमें लिख देंगे टू. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ होमवर्क के लिए. वो आप अपने नोटबुक में करो और अपने पेरेंट्स से चेक कराओ. और अगर आपके पेरेंट्स ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. चलो अब हम आपको क्वेश्चन लिखाते हैं फिफ्थ. तो फिफ्थ आप क्वेश्चन लिखो. सिक्स, फाइव,
4. अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 7, 2, 3. इसको सब्ट्रैक्ट करो और मम्मी को दिखाओ या पापा को दिखाओ. 6. लिखो क्वेश्चन खुद से. 7, then 4, 5. अब यहाँ लिखो 3, 8, 2. 7th क्वेश्चन लिखो. 7, 6, 1, 3, 4, 1. ये आपका होमवर्क है. इसको आप अपने नोटबुक में करो और मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो. और अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए रिलेटेड तो आप उसको भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.